हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मेरी सिस्टर ने एक रिक्वेस्ट किया था चिकन सूप की रेसिपी की, जो कि उनके 3 साल के बेटे को काफ़ी पसंद आए और उसके हेल्थ और वेट में भी काफ़ी हेल्पफुल हो, जो हेल्दी भी हो और न्यूट्रिशनल भी हो। तो हमने ये सूप की रेसिपी ट्राई किया और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए। तो आप में से जो भी पेरेंट्स या आपके घर में जो भी लोग अपने बच्चों को हेल्थ और वेट को लेकर कंसर्न है, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। 1 से 2 बार की सर्विंग के लिए मैं सूप बना रहा हूँ, तो उसके लिए जो भी सामग्रियाँ मैंने ली हैं वो इस प्रकार है। इस तरह से मैंने छोटे से बीट का टुकड़ा, एक छोटा सा गाजर का टुकड़ा, 2-3 लीफ पालक के, 1/4 टमाटर कटा हुआ, 10 से 12 मटर के दाने, एक पपीता का छोटा टुकड़ा, 1 चम्मच के लगभग धनिया पत्ता, 1/4 प्याज कटा हुआ, 1 लहसुन का क्लोव, 2 लौंग और 4 गोलकी, और ये छोटा सा चिकन का पीस है जो कि चिकन के थाई का पीस है। आपको तो पता ही होगा ये सारे वेजीज में कितने न्यूट्रिशनल वैल्यूज पाए जाते हैं। जैसे ये बीट रूट विटामिन एंड मिनरल से भरपूर होता है। इसमें आयरन पाया जाता है जो कि एनीमिया के खतरे को कम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बॉडी को ओवरऑल क्लीननेस करने में हेल्प करता है। गाजर तो न्यूट्रिशनल वैल्यू से भरपूर होता है, बॉडी के सेल को हेल्थी रखने में काफ़ी मददगार होता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, ये लीवर फंक्शनिंग को भी बेटर करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। उसी तरह से पालक का सेवन बॉडी को हाइड्रेट करने में हेल्पफुल होता है, लीवर के हेल्थ को इम्प्रूव करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, बोन हेल्थ में काफ़ी हेल्प करता है और इम्यूनिटी को हाई करने में हेल्पफुल होता है। टमाटर में विटामिन सी पाए जाते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और बॉडी को हाइड्रेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। मटर विटामिन सी, के और फाइबर से भरपूर होता है, तो ये भी शरीर के हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। पपीते के सेवन से भी बॉडी में डाइजेशन इश्यूज जो भी होते हैं वो ख़त्म हो जाता है, ये आँखों और स्किन के हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और शरीर के ओवरऑल हेल्थ में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओनियन में भी काफ़ी न्यूट्रिशनल वैल्यूज पाए जाते हैं, जैसे फाइबर और प्रोबायोटिक्स जो शरीर के डाइजेशन को बढ़ाता है। चिकन के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, चिकन तो बहुत चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे मसल ग्रोन, उसके बाद चिकन इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, चिकन में प्रोटीन पाया जाता है, इसमें फैट होता है, तो चिकन भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो चलिए अभी सूप बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे वेजीज को चॉप कर लिया है और चिकन को भी हमें इसी तरह से बारीक बिल्कुल चॉप कर लेना है। तो पहले कुकर चढ़ाइए और कुकर जैसे ही गर्म हो जाए उसमें 1 क्यूब बटर डालिए और साथ ही 1 चम्मच घी। आप चाहें तो सिर्फ घी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गया हमारा लौंग और गोलकी, फिर प्याज डालिए, गार्लिक डालिए और 25 से 30 सेकंड तक फ्राई करिए। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर उसमें हमें चिकन को ऐड करना है। चिकन को कम से कम हमें 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। तो जैसे ही देखिए चिकन फ्राई हो जाए, हमें सारे वेजीज को डालना है और वेजिटेबल्स को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर वेजिटेबल्स को चिकन के साथ फ्राई करना है। तो देखिए वेजीज फ्राई हो चुके हैं, अभी हमें 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच नमक डालना है बस। अभी थोड़ी देर इसे अच्छे से सॉटे कर लीजिए। मुश्किल से 1 से 2 मिनट तक आप सॉटे करिए, उसके बाद इसमें पानी मिला लीजिए। पानी कम से कम 1/2 लीटर से थोड़ा ज़्यादा डालिए और उसमें एक अच्छा बॉईल आने दीजिए।
जैसे ही पानी में कच्चा बॉयल आ जाए हमें ढक्कन लगाकर 7 से 8 सीटी लगानी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने तकरीबन 7 से 8 सीटी लगाया है और ये देखिए हमारा चिकन सूप बिल्कुल रेडी है। अभी आप चाहें तो ये सूप के अंदर की जो भी सामग्रियां हैं उसे बिल्कुल बारीक पीस कर या मिक्सी में पीस कर आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। अदरवाइज हमने इतना फाइनली चॉप किया था कि इस स्टेज पे भी इस तरह से भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काफ़ी टेस्टी सूप है, आप एक बार ही ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चे को काफ़ी पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।